वीडियोस, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। युवक ने पड़ोसी को मारा चाकू, डकैती का प्रयास कर रहे 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 ने की आत्महत्या। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। सदर थाना अंतर्गत खलासी लाइन परिसर में एक युवक ने अपने पड़ोसी को चाकू मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। पुलिस ने शिब्बू बालकृष्ण शर्मा की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपी पड़ोस में रहने वाला मिलन यशवंत राजपूत बताया गया। मिलन के घर की छत का पानी शर्मा के घर में गिर रहा था, इसलिए शर्मा ने उसे कुछ इंतजाम करने को कहा। दोनों के बीच बहस हो गई। मंगलवार की सुबह 8 बजे के दौरान शर्मा अपने घर के सामने खड़े थे। इसी दौरान मिलन पीछे दौड़कर आया और उनकी टांग पर चाकू खोपकर फरार हो गया। शर्मा को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज किया है। दूसरी खबर, सावनेर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले मोहपा फाटा चौक में पुलिस ने डकैती की फिराक में बैठे 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सावनेर पुलिस रात को पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान रात करीब 3:30 के आसपास आरोपी मिर्ची पाउडर, रस्सी, लोहे की रॉड लेकर कहीं पर डकैती डालने के इरादे से इकट्ठा हुए थे। ऐसे में पुलिस उपनिरीक्षक सागर कारंडे की नजर उन पर पड़ी। उनसे पूछताछ करने पर जब कोई समाधानकारक जवाब नहीं मिला तो पुलिस ने उसकी तलाशी ली। तलाशी में उनके पास उपरोक्त सामान मिला। संध्या होते ही पुलिस ने आरोपी दिनेश जनबाजी आडमाची, बंसीधर उर्फ रेवलाल वर्टी, दोनों यशवंत बाबा झोपड़पट्टी सावनेर निवासी और सुरेश उर्फ पांडुरंग नारनवरे दत्त मंदिर समीप पाटन सावंगी, मोंटू रामचंद्र बारई यशवंत बाबा झोपड़पट्टी सावनेर और रामराव भैयाजी भोयर जूना अनाजगंज सावनेर निवासियों को गिरफ्तार कर लिया। तीसरी खबर, नंदनवन और हुड़केश्वर थाना क्षेत्र में 2 लोगों ने विष प्राशन कर आत्महत्या कर ली। नंदनवन कॉलोनी निवासी अजीत दत्तात्रेय डोंगरे ने गत 28 अगस्त की शाम अपने घर के समीप शिव मंदिर के मैदान में जाकर विष प्राशन कर लिया। अजीत को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दूसरी घटना हुड़केश्वर के दुर्गानगर इलाके में हुई। मृतक विजय तुकाराम कोल्ले बताया गया। विजय ने 25 अगस्त की दोपहर घर में विष प्राशन कर लिया। उसे उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दोनों घटनाओं में आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद। देश की राजनीति पर होगी आपकी मुझसे सीधी बात। देश की आम जनता जुड़ेगी मेरे साथ। हर गली की राजनीति पर होगी हमारी बात। आपके नगर सेवक से लेकर सांसद तक से होगी चर्चा, जिसमें विकासात्मक कार्य और उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार, दोनों पहलुओं पर होगी बात। मेरे साथ, मेरे प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। सरकार से सीधी बात दोपहर